आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मैक्स मीडिया सबा के साथ। हर जगह के मतलब चक्कर मारे, कभी आज तक कोई सही रिस्पांस नहीं मिल रहा हमको। हम लोग खर्चा लेके बच्चों को भेजा है, बच्चे फीस के लिए परेशान है यहाँ पर। मैं मेरी बेटी को यूएस भेजाई भी हूँ, वो ओवरसीज स्कीम निकला था तो सबमिट। केसीआर की जानिब से जितने भी वादे किए गए तकरीबन तमाम मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं किए गए। सुनहरी ख्वाब और वादे केसीआर की आदत बन चुकी है और मजीद तेलंगाना की आवाम को दिल फरेब वादे और सुनहरी ख्वाब भी दिखा रहे हैं, लेकिन अमल आवारी में साबिका हुकूमतें निफ्स वादे मुकम्मल करते थे। इंतखाबात के करीब होने पर केसीआर दावों पर दावे करने में मसरूफ है, लेकिन केसीआर को चाहिए कि वो ऐसे दावे ना करे जिससे रियासती आवाम के दिलों को तकलीफ हो। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ओवरसीज एजुकेशन लोन, जिसके तहत बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तेलंगाना के तुलबा को 20 लाख रुपये दो किस्तों में फराहम किए जाते हैं। इस लोन से हौसला पाकर कई माशी तौर पर कमजोर घरानों के तुलबा बैरूनी ममालिक में आला तालीम हासिल करने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से इस लोन की फ्राहमी में हुकूमत तेलंगाना खामोश है। सैकड़ों तुलबा कर्ज लेकर और अपने रिश्तेदारों के हैंड लोन और जेवरात की फरोख्तगी के जरिए बैरूनी ममालिक रवाना हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हुकूमत खामोशी अख्तियार कर लेगी। जहाँ सैकड़ों तुलबा बेचैनी और संगीन सूरत हाल से दो चार है, वहीं सरपरस्त और वालिदैन कर्जे अदा करने से खासिर है। वालिदैन ने इस खसूस में रियासती हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और मुजरिमाना खामोशी पर बरहम है। काबिले जिक्र बात ये भी है कि तमाम मुतालिका अरबाब मजाज और टीआरएस के अखिलती कायदीन नुमाइंदगी के बजाय अपने पार्टी सरबरा की कसीदे खवानी में मसरूफ है।